एमएनए न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। सुनंदा पुष्कर मौत, सुब्रमण्यम स्वामी को पक्षकार बनाने पर फैसला 20 दिसंबर को होगा। नई दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला टाल दिया है। याचिका में स्वामी ने केस में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। 20 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि 20 दिसंबर तक वे इस मामले के अभियुक्त शशि थरूर को पुलिस रिपोर्ट सौंपे और स्वामी ने यह भी मांग की है कि इस मामले में साक्ष्यों को नष्ट करने पर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को समक्ष पेश किया जाए। स्वामी का कहना है कि विजिलेंस रिपोर्ट देखने के बाद उचित आरोप तय करने में कोर्ट को मदद मिलेगी। इस अर्जी पर भी कोर्ट 20 दिसंबर को फैसला सुनेगा। पिछले 3 नवंबर को सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने कोर्ट में कहा था दिल्ली पुलिस ने सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। उन्होंने यहां तक कहा कि कोई सीडी उपलब्ध नहीं कराया गया है, 3 मेमोरी कार्ड दिए गए हैं लेकिन वो सभी ब्लॉक। तो देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव की खास खबर देखने के लिए। आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।